तो पश्चिम बंगाल में अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात में एक रैली को संबोधित किया है और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला टीएमसी पर किया। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी किसान स्वागत राय साहब मौजूद हैं। स्वागत राय जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर बात करने के लिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी महिला विरोधी है, टीएमसी ने बंगाल में ग्रहण लगा दिया है। सर, ये संदेश खाली का मुद्दा बैकफुट पर ले आया टीएमसी को क्या? ये प्रधानमंत्री एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, जो वो बोल रहे हैं सही नहीं है। संदेश खाली में जो भी हुआ, अगर कुछ गलतियां हुई है तो उसको सुधारने के लिए राज्य सरकार पूरा कोशिश कर रहा है। महिलाओं का स्टेटमेंट लिया जा रहा है और उस पर केस किया जा रहा है, लोग को अरेस्ट किया गया है, शेख शाहजहां को और उसके चेले को राज्य पुलिस गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री के पास कोई इशू नहीं है टीएमसी सरकार के खिलाफ, इसलिए वो संदेश खाली बोल रहे हैं। वो कभी संदेश खाली गए नहीं, दूसरे के बात सुन के ऐसा बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पर सर, आप कह रहे हैं कि संदेश खाली पर अगर कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश हो रही है। आप कह रहे हैं शेख शाहजहां को देखो गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन वही शेख शाहजहां, और ऐसा लगता है जैसे बंगाल सरकार उसको बचा रही है। दूसरे मामले में जब हाईकोर्ट कह देता है कि इसको सौंपिए सीबीआई को, आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। सर, एकदम सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार तो है राज्य सरकार को। हम समझते हैं कि राज्य सरकार राज्य के पुलिस सही कदम ले सकता है, तो अगर वहां पर कोई कोर्ट से बोलता है कि उसको सीबीआई को देना चाहिए तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इस पर गलती क्या है? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि संदेश खाली के जरिए बीजेपी राजनीति कर रही है? एकदम पूरा बीजेपी बिल्किस बानू जो जिस पर गैंगरेप हुआ था जी, उसको जो आरोपी उसको जब छोड़ दिया जाता बीजेपी उसको सलाम देते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाथरस और उन्नाव के घटना हम लोग कभी भूले नहीं है। बीजेपी महिलाओं के सम्मान के बारे में बोल रही है, हमको मंजूर नहीं है। ठीक है, पर सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि संदेश खाली में जो महिलाओं का गुस्से का ज्वार था पूरे बंगाल में, भुगतना पड़ेगा टीएमसी को, चुनाव में नुकसान होगा आपको। नहीं भी, वो प्रधानमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। महिलाओं का पूरा विश्वास है ममता बनर्जी पर। थैंक यू सो मच स्वागत रॉय सर, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। टीएमसी के सांसद स्वागत रॉय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं महिलाओं का पूरा भरोसा ममता बनर्जी पर है। टीएमसी पर जिस तरीके का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं संदेश खाली को लेकर, स्वागत राय को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से बेवजह के मुद्दों को गरमाने की कोशिश राजनीति के चक्कर में बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर जो है अब वो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एनडीए में जानकारी मिल रही है सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह को जाना पड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी, अजीत पवार भी मौजूद रहे हैं। तो बैठक में अभी तक सहमति बन पाई क्या, इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय को, एनडीए महाराष्ट्र सीट शेयरिंग का मामला ऐसा फंसा कि खुद पहुंचना पड़ा है गृहमंत्री अमित शाह को, क्या जानकारी मिल रही है, मामला सुलझा क्या? तो माना निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। वजह यह है कि शिवसेना चाहती है कि पिछली बार के चुनाव में जो उसके सांसद 18 जीते थे तो 18 सीटों पर हम लड़ें। वहीं अजीत पवार का कहना है कि जिन शर्तों पर हमको गठबंधन में लिया गया था उन शर्तों का एनडीए सम्मान करे, यानी हमें भी सम्मानपूर्वक नंबर दे। वहीं बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें बीजेपी जीते। बीजेपी का ये भी लक्ष्य है कि वो 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो असमंजस की स्थिति थी, कई सीटों पर पेच फंसा हुआ था।
ऐसे पर अमित शाह को बीच में अपना दखलंदाजी करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। यहाँ के नेताओं ने लगभग मुद्दा सुलझा लिया था, लेकिन कई जगहों पर पेच फंसा हुआ था। आपको बता दें कि दो मीटिंग हुई, एक बीती रात को डिनर के बाद हुई थी, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार और मुख्यमंत्री शिंदे वहाँ मौजूद थे। अमित शाह ने तब एक घंटे मुलाकात की, और आज सुबह भी 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में मुलाकात हुई है। अब मोटा मोटी कुछ बातें निकल कर आई हैं, वो आपको मैं बता दूं। पहला, अमित शाह ने सीधा मैसेज दिया है कि हमें 48 में से 45 से अधिक सीटें जीतनी है, किसी भी हालत में 45 से अधिक सीटें महाराष्ट्र से जीतनी है, एक ये मैसेज गठबंधन को दिया है। दूसरा, ये बात कही है कि बीजेपी जो शहरी क्षेत्र है, जैसे मुंबई है, पुणे है, थाने है, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी या बाहरी परप्रांतीय भी महाराष्ट्र में ज़्यादा रहते हैं, ऐसी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े। उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव में बीजेपी मुंबई में 3 सीट पर लड़ी थी, इस बार 5 सीट पर लड़ेगी और शिवसेना को सिर्फ 1 सीट देगी। तो इस तरह की बातें हैं। तीसरी बात यह है कि बीजेपी 30 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। पहले बात कही जा रही थी कि 24 सीट जो पिछली बार जीती थी उस पर लड़ेगी, लेकिन 32 सीटें भी बीजेपी लड़ सकती है। और ऐसा एक विकल्प दिया गया है कि कुछ उम्मीदवार जो शिवसेना प्रस्तावित करेगी, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा, यानी उम्मीदवार तुम्हारे, सिंबल हमारा, इस थियोरी पर बीजेपी काम कर रही है। और अजीत पवार गुट को काफ़ी कम सीटें मिलने की संभावना है। मानकर चलिए कि 6 से 8 मिल जाते हैं तो अजीत पवार को बहुत ज़्यादा मिल गए, ऐसा मानकर चलिए 6 से 8। शिंदे गुट को 12 से 14 के बीच सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उनके कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे और बीजेपी 30 के आसपास सीटें लड़ेगी। तो मुंबई मतलब की बात करें तो मुंबई में 5 हो रही है कि महायुति महाराष्ट्र और उसमें सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल सीट हासिल करने के लिहाज से बीजेपी को ही होगा, और सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी अपने पास रखती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दरअसल इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे को लेकर बैठक हो रही है। मुंबई के वर्ली इलाके के एक होटल में ये बैठक हो रही है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रकाश अंबेडकर समेत दूसरे नेता भी शामिल हो रहे हैं। सीधे एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, महायुति के साथ साथ महाविकास अघाड़ी, वहां पर भी लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आज कुछ पुख्ता तस्वीर साफ हो सकती है। देखिए रुमाना, आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक चल रही है। मुंबई के वर्ली इलाके का 4 सीजन होटल है जहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बैठक चल रही है। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब तक के बैठकों में जो बड़े नेता मौजूद होते थे लेकिन पार्टी के प्रमुख मौजूद नहीं होते थे, लेकिन इस बैठक में खुद शरद पवार मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, नाना पटोले मौजूद हैं, बाला साहब थोरात मौजूद हैं, अन्य कई MVA के बड़े नेता मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उन 5 सीटों को लेकर ही बातचीत हो रही है कि आखिरकार इस पर सहमति बननी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम 20 से अधिक सीट पर लड़ेंगे, शिवसेना कह रही है कि पिछली बार हम लड़े थे 22 पर तो हम 22 पर लड़ेंगे कम से कम। लेकिन उसी पर पेच सुलझाने के लिए जो सबसे वरिष्ठ हैं शरद पवार, उनकी राय अब सुनी जाएगी। एक और मामला है, वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में लेना है कि नहीं लेना है और किन शर्तों पर लेना है। वंचित बहुजन आघाड़ी को लेने के लिए MVA तत्पर है, खुले बाहें फैलाकर बुलाना चाहती है, लेकिन जो शर्तें प्रकाश अंबेडकर ने रखी हैं वो शर्तें MVA को शायद माने ना हो। अब देखिए किस प्रकार की शर्तें हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि 27 सीट पर हम लड़ेंगे, 27 के बाद बात करिए। आश्वासन वाली जो मांग प्रकाश अंबेडकर की तरफ से की जा रही थी वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि साहब आप लिखित आश्वासन दीजिए, हस्ताक्षर करके दीजिए कि चुनाव नतीजों के बाद, जीत हासिल करने के बाद आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि अभी तक ये महाविकास अघाड़ी में जो दल हैं इन्हें एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद, जीत के बाद कौन पलटेगा, कौन साथ रहेगा। मृत्युंजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कल जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर का पत्र था और उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है संजय राउत पर कि पहले आप लिख कर दीजिए कि आप जीतने के बाद या आपके नेता जीतने के बाद RSS या BJP के साथ नहीं जाएंगे, तो इस पर यह भी कहा कि उस समय सभी ने चुप्पी साध ली, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ट्रस्ट इशू भी है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो 3 दल हैं, शरद पवार का गुट हो NCP, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं साथ में रहने वाली, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर सस्पेंस है और अंतिम समय में वंचित बहुजन आघाड़ी पीछे भी हट सकती है, गठबंधन से बाहर निकल सकती है और खुद अकेले चुनाव लड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा आपके पास आएंगे। और अब कुछ सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने है, सीट पर महायुति की टेंशन, क्या शाह निकालेंगे सोल्यूशन? राकेश शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, अमित शाह हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो निकल ही आएगा निश्चित तौर पे। और पिछली बार भी जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन बनने का कारण भी अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया गया था, और उनका कहना था उद्धव जी का कि अमित शाह जी हमसे एक बार फोन पे बात कर लें तो हम बाहर नहीं जाएंगे।
इस बार जो अभी मृत्युंजय बताए तो बिल्कुल सही है, मेरे पास भी जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 40 सीटों पर लड़ सकती है 48 में से, क्योंकि आपके अजीत पवार और शिंदे इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, 25 सीटों पर लड़ी, 23 सीटों पर जीती, 23 पे शिवसेना लड़ी, 18 सीटों पर जीती। कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार भी बहुत खराब था, 23 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, सिर्फ एक सीट जीती, 19 सीटों पे एनसीपी लड़ी। तो कुल मिलाकर महायुति के अंदर जिस तरीके से आपने तो यहाँ पर आंकड़ा 48 लोकसभा सीटें हैं, देखिए महाराष्ट्र में दर्शकों को याद दिला दूं, आपने तो कह दिया यहाँ पर कि करीब 40 पर बीजेपी ही चुनाव लड़ने वाली है, हमारे जो सहयोगी है वो 30 से 32 का आंकड़ा दे रहे थे, 30 से 32 भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनके कैंडिडेट रहेंगे और बाकी एनसीपी और शिवसेना में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे, उनके नाम पे हिस्सा दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये होता है, क्या माना जाए महायुति के अंदर शामिल जो एकनाथ शिंदे गुट है, अजीत पवार गुट है, क्या वो इस फॉर्मूले के लिए तैयार होंगे या फिर महायुति में बने रहना है, कोई विकल्प उनके पास है नहीं, तो ऐसे में जैसा बीजेपी चाहेगी वैसा करना इनके सामने एक मजबूरी है।